युवा संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी कजोरिया। मैं बने ये तो गलत है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है और जिस धर्म में जाति की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर जाति की व्यवस्था आप कैसे ला दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे कल पता चली है बातें कि छत्तीसगढ़ में भी विगत 4-5 वर्षों में बड़ी संख्या में नगरीय निकायों में ये प्रमाण पत्र बनाए गए, हम उसकी भी जाँच कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिसको इतना रहेगा ये तो समय बताएगा भैया, मैं नहीं कह सकता, परंतु ये है कोशिश है और सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश कर रहे हैं। तो यदि सुझाव आते हैं, सुझाव भी आने शुरू हो जाएंगे, तो उसे किस तरीके से उसमें काम होगा, क्या उसके लिए कुछ पैनल तैयार किया गया है? निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी के उस दिन के मार्गदर्शन के उपरांत हर एक दिशा से सुझाव लेने की कोशिश इसमें हम लोग कर रहे हैं और सब कुछ हो जाने के बाद उस पर पूरी प्रक्रियागत, मतलब अभी भी छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है, नहीं नहीं, परंतु उसमें और क्या अधिक अच्छा हो सकता है, इसकी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। तो जल्द शुरू हो जाएगी इसको? अभी 2 महीना तो लगना है कम से कम, तो शुरू ये 2023 सालों में 1000 नक्सली सरेंडर हुए, अब क्या और आंकड़े बढ़ने? देखिए मसला ये है कि और युवा इस दिशा में ना जाएं, मसला ये है कि जो हैं वो सरेंडर कर जाएं, मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए, मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए, मसला ये है कि वहाँ विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए, मसला ये है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ जाए। बहुत से आयाम हैं भैया, बहुत से आयाम हैं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो एनकाउंटर का मसला है, ऑपरेशंस का मसला है, यह भी उस पूरे अभियान का 20% है, परंतु 80% और भी काम उस पर हैं जिसके लिए सरकार संजीदा है और सरकार काम कर रही है। भैया अब तक बड़ी सफलता मिली है, सोशल मीडिया पर चल रही है और उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी आज एक और वीडियो जारी किया, उसमें आरक्षण को लेकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री को ये बोलते हुए दिखाया कि अगर 400 पार होगा तो आरक्षण खत्म। अभी देखिए संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी सरकारें भाजपा की सरकारें होती हैं, संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए और किसके कार्यकाल में हुए निकाल कर देखा जा सकता है, और अगर संविधान के संशोधन का मसला है तो हमारे हृदय में सिर्फ UCC ही है और बहुत स्पष्ट है, हमने बता दिया है, उस पर कोई संशय नहीं है किसी को। अब जो बातें हैं संविधान का संशोधन, आरक्षण खत्म करना, ये मतलब निराधार बातें हैं, जनता समझती है विषयों को। ये लगातार पोस्टर के माध्यम से बीजेपी हावी हो रही है इंडी गठबंधन पर, आज भी पोस्टर जारी हुआ है उसमें सूर्योदय योजना को लेकर किया है, भूपेश बघेल को घेर रहे हैं लगातार, आप लोग इसका क्या ने बताइए, ये इंडी गठबंधन कैसा है जिस पर पोस्टर हावी हो जाता है? मनोबल में कमी होगी उनकी इसलिए कोई पोस्टर हावी होता होगा। भैया ये जनता तक विषय ले जाने के अपने अपने तरीके हैं और जिन तरीकों का उन्होंने पहले अभ्यास किया हुआ है उस पर तो उनको पहले चिंता करनी चाहिए। कहा मोदी जी को कहा कि नीच राजनीति करने वाले, मोदी जी को कहा कि सर फोड़ देंगे इनका, तो ऐसे थोड़ी बात होती है। भाजपा ने जितने अधिक पोस्टर जारी किए हैं, प्रत्याशियों के पोस्टर हुए, संगठन के विपक्ष पर हो रहे हैं, तो मुख्य तौर पर फोकस है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पोस्टर पर हो रहा है, अधिक उन्हीं की तस्वीरें नजर आ रही हैं, अधिक उनकी गड़बड़ियाँ हैं ना, तो अधिक गड़बड़ियाँ हैं तो अधिक तस्वीरें। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को नोटिस दिया है, धर्म की राजनीति का विषय आपको लेकर है और कांग्रेस को लेकर है कि संविधान बदलने की बात करें, कैसे देखते हैं, क्या वाकई धर्म की राजनीति हो रही है? कोई मुझे एक बार बता दे कि कैसे हो रही है, एक बार समझा दे कि कैसे हो रही है। भगवान राम का मंदिर देश में बना है, न बोला जाए उसको? कोई कोई प्रदेश अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देता है, न बोला जाए उसको? ऐसे कैसे संभव होगा भैया? सर, मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी हेल्पलाइन नंबर स्पेसिफिकली नहीं दिया, परंतु छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले, अंबिकापुर के रहने वाले, हमारे कवर्धा के रहने वाले, ऐसे सारे छात्रों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है, सबके पास मेरा और हमारे लोगों का नंबर है, वो सुरक्षित है, सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे उनकी चिंता की, उनका ही मार्गदर्शन सब कुछ है जिसके आधार पर
सबसे बात की गई है, अलग से नंबर जारी नहीं किया, लेकिन 10 नंबर उनको देकर रखे कि भैया कोई बात हो तो उसमें फोन करें। छत्तीसगढ़ में आप लोग नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसको रोकने की बात कर रहे हैं, पड़ोसी राज्य उड़ीसा है, बड़े पैमाने पर सूखे नशे की खेती होती है, सरकार का दावा कर रहे हैं आने वाले समय सरकार आपकी बन रही है, तो क्या उस पर रोक लगेगी, क्योंकि ये जड़ हमारा छत्तीसगढ़ है ट्रांसपोर्ट का। भाजपा की सरकार वहाँ बन तो जाए भैया, आप कह रहे बन रही है, हाँ हाँ बन तो जाए, जैसे ही सरकार बनेगी तगड़ी कार्यवाही होगी भैया। सर ये कांग्रेस के जो कितने दिग्गज नेता हैं वो अभी चुनाव के बीच में गायब हो गए, जो गुरु के दिग्गज नेता होते हैं, अब एक प्लान भी जो है तैयार हो रहा है लोकसभा के बाद कांग्रेस को रिबिल्ड करने के लिए, कैसे देखना उनकी संगठनात्मक प्रक्रियाएं हैं उस पर अपने बोलना ये नहीं है। मसला ये है कि अब जनता समझती है, 50-60 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के हाथ में ताकत नहीं था, तो कुछ भी करते थे, अभी आपको एक एक कदम पर आपको हिसाब देना है जनता। ये अब तक नक्सलवाद पे बड़ी सफलता मिली है, लेकिन साथ साथ 17 नवीन मामलों समेत 26 मामले ऐसे हैं जिसको NIA को सौंपा गया। NIA को तो बहुत से मामले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में यहाँ से सौंपे हैं, और NIA एक राष्ट्रीय एजेंसी जिस जो इन विषयों पर काम करती है, तो और आवश्यकता होगी तो और दिए जाएंगे, और मेहनत से काम किया जाएगा, परंतु लक्ष्य बांध कर कोशिश की जाएगी कि आने वाले 2-3 सालों में कम से कम इस विषय से बस्तर को, छत्तीसगढ़ को निजात मिले, इस विषय से मुक्ति मिले छत्तीसगढ़ को। भैया क्या आप माने कि नक्सलियों से अब जो लड़ाई है वो निर्णायक होती? मुझे तो हर क्षण यही लगता है, मैं पूरी कोशिश भी यही होती, और लड़ाई कोई निर्णायक लड़ाई बंदूक की लड़ाई नहीं है भाई, मसला ये है कि उनका पुनर्वास हो, मसला ये है कि वो मुख्यधारा में जुड़े, मसला ये है कि माओवाद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया आज तक, चीन में माओवाद की सरकार है, क्या पा गए 1998 थैनमन चौक शंघाई, हमको ध्यान है छात्रों ने आंदोलन किया था तो अपने ही देश के छात्रों को टैंक से उड़ा दिया था उन लोगों ने, वैसी सरकारें चाहिए क्या यहाँ पर? वहाँ फिर कोई मीडिया नहीं होगी, चीन में कोई मीडिया वीडिया नहीं होती है भैया, कोई पत्रकारिता नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे नहीं होता है, मतलब न स्वतंत्रता है, ऐसी सरकार किसको चाहिए भाई? क्यों यहाँ भारत के लोकतंत्र में ऐसा करना चाहते हैं? कुछ ही लोग चाहते हैं, बाकी सब मजबूरी पे हैं, बहुत अच्छे स्पष्ट जानकारी है उसकी, और इसलिए पूरी उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो मालवाहक गाड़ियां हैं उसमें सवारी भर के जा रही है, आपके इलाके में दो बड़ी घटनाएं हो गई, उसको रोकने के लिए कोई सख्त कदम उनका नहीं दिख रहा है, आप निर्देश दे रहे हैं तो सख्त सही तरीके से पालन? नहीं, पालन का नहीं है मसला। देखिए क्या होता है, गाँव में गाड़ियाँ उपलब्ध हैं, इन गाड़ियों में लोग अपनी सुविधा, अपने किफ़ायत के कारण उसका उपयोग भी आपसी बातचीत करके कर ले रहे हैं, और आप इतनी सख्ती करोगे तो फिर लोगों पर बहुत सख्ती हो जाएगी, ये भी मामला है, इसलिए ये जनजागरण का पहला विषय है, और फिटनेस, गाड़ियों के फिटनेस के लिए बात है तो उस पर जरूर विभाग काम कर रहा है। सर सरकार का नक्सल मोर्चे पे जो रणनीति है सरकार की, उसका आप बस्तर में किस तरह प्रभाव देंगे? सिलगेर बदल गया है, अभी एक समाचार वहाँ से एक पत्रकार साथी गए थे, मैं कल अचानक उनका न्यूज़ देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं वो न्यूज़ कोशिश करता हूँ कि सबको एक बार फॉरवर्ड हो जाए, सिलगेर बदल गया है, पूरा बस्तर बदल रहा है। सर ये जो नक्सली मुख्य धारा में वापस आए हैं, आपने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की है, वीडियो कॉल में, और उनके यहाँ लाल भाजी खाने की भी बात की, तो उसे कांग्रेस कह रही है कि ये शहीद जवानों का अपमान है, कैसे मतलब कि ये आप कैसे नक्सलियों से बात कर रहे हैं और उनके घर जाने की बात कर रहे हैं, घर में वो सरेंडर किए हैं भाई, वो मुख्यधारा में वापस आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? माने देखिए फिर ये राजनीति गलत है ना, फिर ये राजनीति गलत, आप जिस नक्सली जिसने सरेंडर किया है, जो पुनर्वास के बाद आ चुके हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, आप उनको कहेंगे तुम दूर हो जाओ, फिर से उनको उसी रास्ते पर भेजेंगे? ऐसे नहीं होता है भैया, मतलब मुझे ना समझाना पड़े, निवेदन आपसे है इस विषय पर, तो आप ही उनको समझा दें। सर ये कांग्रेस सरकार ने जो रायपुर का मास्टर प्लान लाया गया था उसमें थोक में गड़बड़ियां निकली हैं, अब जांच समिति भी गठित कर दी गई, किस प्रकार की कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? अब वो विभाग से एक बार और बात करना होगा, मैं सोचता हूँ कि भाजपा की सरकार है, सारे प्रक्रियागत परेशानियों को भी, उच्च श्रृंखलाओं को भी दूर किया जा रहा है, ये सब कुछ ठीक होगा। अब तक देखा गया कि बस्तर, राजनांदगांव, गरियाबंद जैसे जिलों में नक्सली, तो पहले कवर्धा जिले में नक्सली नहीं आते थे लेकिन वहाँ भी शिफ्ट हुए, तो ये मूवमेंट रोकने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है दूसरे जगह नक्सली? पहले नहीं आते थे वाला मामला ही नहीं है, कवर्धा में बहुत पहले से
बहुत पहले से, मतलब 20 साल से तो हम जान रहे हैं कवर्धा भाई। मेरा जो जिला पंचायत पुराना क्षेत्र था कवर्धा से 10 किलोमीटर पर, वहाँ पर मैं रात को नहीं जाता था, बता देते कि भाई नहीं जाना है यहाँ पे, केसदा झंडी बांधा ऐसे सारे गांव हैं। अभी भी वहाँ पर मूवमेंट होता है, उसकी पता उसका पता चलता है, अभी भी कुछ ये होता है, वारदातें नहीं होती, लेकिन कवर्धा में जनमानस तैयार बैठा है इन सारी बातों के प्रखर विरोध के लिए। जी धन्यवाद। इतना रहेगा ये तो समय बताएगा भैया, मैं नहीं कह सकता, परंतु ये है कोशिश है, और सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश कर रहे हैं। तो यदि सुझाव आ रहा संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी कजोरी।